हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। जैसा कि जानते हैं कि हर रोज जो है लाइव क्लास चलती है, लेकिन यहाँ पर एक दो दिन हो सकता है लाइव क्लास बाधित रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जब भी लाइव क्लास नहीं होगी वीडियोज तो आते ही रहेंगे, और उन वीडियोज से वो लाइव क्लास ही है आपकी, समझिए। ग्रुप में वीडियो शेयर हो जाएंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को ये वीडियोज मिल जाएंगे और उससे आपका काम चलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में खास क्या है वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर ये एक्सेल ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सेल में क्या फॉर्मेटिंग लगी है। अभी तो नहीं लगी है, अब मैं लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ Alt H B A, तो ये देखिए ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का डेटा हमने लिया हुआ है। छोटा सा डेटा है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन मैंने बनाया है, यहाँ पर ले जाते ही ये हाइपरलिंक हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो भी चीजें यहाँ पर हैं इनको मैं डिलीट करूंगा यहाँ से, इस तरीके से जाके, और यहाँ से डिलीट प्रेस कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये सब कुछ डिलीट हो गया है और हमारे पास अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर रन पे क्लिक करने से, रन योर प्रोग्राम पे क्लिक करने से क्या होगा जरा देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही मैं रन योर प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये सब NA आ रहा है, यानी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो ड्रॉप डाउन आ गई, इसके पहले ड्रॉप डाउन नहीं थी। देखिए यहाँ पर इसके पहले जबकि ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ था तो ड्रॉप डाउन नहीं थी। अगर मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर तो कोई ड्रॉप डाउन है नहीं, लेकिन जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये NA लिखा हुआ आ जाता है और ये ड्रॉप डाउन आ जाती है। अब ये ड्रॉप डाउन में बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं जो रिलेटेड यहाँ से है। ठीक है, और यहां से जो भी नाम आप, जैसे रोम्या नाम सेलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे रोम्या के मार्क्स देखिएगा जरा, आप ध्यान दीजिएगा इस पे जरा फोकस कीजिएगा, रोम्या का जो मार्क्स है उस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्क्स क्या है इनके, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये रोम्या का डेटा है, यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे ये देखिएगा, इसे एक डिफरेंट कलर में देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। जरा देखिएगा ये हरे कलर से, ग्रीन कलर से इसे मैंने हाईलाइट किया है, और इनका जो पहले सब्जेक्ट में मार्क्स है वो 3 है, दूसरे सब्जेक्ट में 54 है, तीसरे में 59 है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं अपने जो यहाँ पर जो बटन हमने बनाया है वहां पर, तो पहले सब्जेक्ट में 3 है, दूसरे सब्जेक्ट में 54 है, और तीसरे सब्जेक्ट में 59 है, और चौथे में कितना है, 54 है। तो चौथे, सॉरी 44 है, तो यहाँ चौथे में 44 ही दिख रहा है, पचवे में 75 है। ठीक है, तो पचवे में 75 ही है, और टोटल है 235। ठीक है, जो कि आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ एवरेज है 47 और परसेंटेज भी 47 आया हुआ है, तो एवरेज 47 है और परसेंटेज भी 47 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ यहाँ से देखिएगा, अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ युवराज का डेटा देखना है, तो ये युवराज सेलेक्ट किया हमने, और युवराज को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि युवराज का ही पूरा डेटा आ रहा है। अब ये सही है या गलत है, इसको मैच करने के लिए हम यहाँ से मैच करेंगे, ये मैंने डेटा रख रखा है पहले से ताकि आप यहाँ से मैच कर सके। आइए इसको एक बार मैच करके देखेंगे हम। ठीक है, तो यहां से मैं डेटा का कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, ताकि यहां पर आपको समझने में दिक्कत ना हो। 35 पहले सब्जेक्ट में है, बिल्कुल है, दूसरे सब्जेक्ट में 76 है, बिल्कुल है, यहां पर 76 ही है, तीसरे सब्जेक्ट में 15 है, बिल्कुल है, 15 ही है, चौथे सब्जेक्ट में 27 है, बिल्कुल 27 है, और पांचवें में 15 है, तो पांचवें में यहाँ भी 15 ही है डेटा में। 168 टोटल आया हुआ है, एवरेज कितना आया हुआ है, 33.6, किसी तरह से पास हो गए हैं। ठीक है, लेकिन किसी तरह से पास नहीं होना है, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो 100 out of 100 आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एवरेज भी है और परसेंटेज भी है, दोनों सेम आया हुआ है, जो कि यहाँ पर भी आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों सेम ही आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन कैसे बना, यहाँ पर ले जाते ही ये हाइपर लिंक्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आखिरकार बटन बना कैसे है, आज हम इसी की बात करेंगे। लोकेश यहाँ पे किया तो लोकेश का डेटा आ गया, यहाँ पर अगर चेंज किया हमने नगमा तो नगमा का डेटा आ गया, और यही नहीं, यहां पर अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहां से, देखिए मैं इसे पूरा पूरा डिलीट कर देता हूं यहां से, देखिए ये तो ये पूरा डिलीट हो गया। ये डिलीट हो जाने के बाद से जैसे रन करूंगा तो फिर ये डेटा आ जाएगा। तो ये यहां पर ऐसा क्या कोडिंग करा गया है जिससे ये डेटा आ जा रहा है आपका, ये भी हमें देखना है। ठीक है, और सबसे पहले तो ये बना कैसे है ये देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक यही है हमारा। ठीक है ना, आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा कि ये टॉपिक क्या है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पर देख सकते हैं यहां पर इसी तरह का एक डेटा है मेरे पास, लेकिन ये डेटा काफी लंबा है, देख सकते हैं ये डेटा काफी लंबा है। तो इस डेटा के लिए हमें मैक्रो बनाना है, क्या बनाना है, मैक्रो बनाना है।
यानी हम सीखने वाले हैं मैक्रो, जैसा कि मैंने बताई दिया था थंबनेल पे आपको दिख ही गया होगा मैक्रो, ठीक है। तो हमें इस डेटा के लिए मैक्रो बनाना है। तो मैक्रो कैसे बनेगा? तो मैक्रो बनाने के लिए सबसे पहले हम व्यू टैब में जा सकते हैं। आप डेवलपर में भी जा सकते हैं, ये डेवलपर टैब यहां पर आपको मिल जाता है। अगर आपके में एक्टिव नहीं है तो आप फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ मोर पे जाएंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाकर के डेवलपर टैब एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे में एक्टिव है। अगर आपके में ना भी एक्टिव हो तो यहाँ व्यू पे आपको मैक्रोज मिल जाएगा, तो ये मैक्रोज पे जाइएगा और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दीजिएगा। मैक्रो दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट मैक्रो, हम फिलहाल एब्सोल्यूट मैक्रो ही सीखेंगे, रिलेटिव नहीं सीखेंगे, ठीक है, अभी नहीं सीखेंगे, अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर जो है रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना। ये जो रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। अब ये हमारी आवाज को नहीं रिकॉर्ड करेगा, ये जो प्रक्रिया चलेगी, जो प्रोसेस होगा इसमें, ये केवल उसी को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे हम रिकॉर्ड मैक्रो पर, तो आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट होगी हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये चलिए हम क्लिक कर देते हैं रिकॉर्ड मैक्रो पर, और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करने के बाद इसको हम एक नाम दे देते हैं, प्रोसेस। क्या नाम दे देते हैं? प्रोसेस, PROCESS। आप चाहे तो इसके लिए शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट की दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम कोई शॉर्टकट की नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक बना रहे हैं या न्यू वर्कबुक बना रहे हैं या दिस वर्कबुक बना रहे हैं। तो फिलहाल हम इसे दिस वर्कबुक रहने देंगे, ठीक है। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं छोटा सा कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो इस मैक्रो को देखेगा खोल करके उसे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। फिलहाल मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ता हूं और यहां से ओके पर क्लिक करूंगा। तो ओके पर क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस नाम से रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कोई शॉर्टकट की नहीं दिया, आप चाहे तो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ओके करता हूं तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, यानी इतना हिस्सा, ये हेडिंग कॉपी करूंगा। तो यहां से जाके कॉपी किया हमने और यहां पर कर लेते हैं पेस्ट इसको। तो कंट्रोल वी बटन प्रेस करके इसे पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो गया, और डबल क्लिक करेंगे ये देखिए यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा। लेकिन नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा कैसे, कॉपी करके पेस्ट हमें करना पड़ेगा? नहीं, कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, आपको करना क्या है, डेटा टैब पे जाना है, और डेटा टैब पे जाकर के यहां से डेटा वैलिडेशन पे चले जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर ये देख सकते हैं ये हमारा मैक्रो जो है यहां पर जो है डेटा वैलिडेशन जो है आ गया है। और यहां पर हमें क्या करना है, इसे लिस्ट बना लेना है, और लिस्ट बना करके ये पूरा नाम हमें कर लेना है सेलेक्ट। यहां पर जो भी नाम लिखे जाएंगे वो सब हमें सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, फिलहाल मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है और ओके क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या इससे फायदा, यहां पर देखिए मैं इसे डिफरेंट कलर भी दे देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी हो। यहां पर देखिए ये जो है यहां पर हमारा मैक्रो आया है, सॉरी यहां पर हमारा डेटा वैलिडेशन आया है। यहां पर बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आना है आपको, यहां पर एक फंक्शन हम लगाएंगे जिसका नाम है वी लुकअप, काफी चर्चित है, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहां पर लगाते हैं वी लुकअप, ये वी लुकअप लगाया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पर जो डेटा हो उसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर F4 दबा के इसे फ्रीज करिएगा, और फ्रीज करने के बाद कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा जैसे ही लगाते हैं तो हेडिंग तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डेटा आप कर लीजिएगा सेलेक्ट, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। तो ये लंबा सा जो डेटा हमारे पास है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इस हिस्से को हमें फ्रीज करना है, यानी रो और कॉलम दोनों ही के पहले डॉलर लगाना है, यानी ए के पहले भी डॉलर, टू के पहले भी डॉलर, आई के पहले भी डॉलर, 53 के पहले भी डॉलर। तो F4 नाम का एक बटन होता है शॉर्टकट की, ठीक है, फंक्शन बटन F4 होता है, उसको दबाइएगा तो डॉलर लग जाएगा। अगर न लगे तो आप बारी बारी से लगा सकते हैं, फिलहाल मेरे में लग गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां पर लगाते हैं कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद चूंकि हम ये चाहते हैं ना कि जिस भी स्टूडेंट का नाम एंटर हो उसी का पूरा डेटा आ जाए, पूरा ही डेटा हम चाहते हैं, सिर्फ एक डेटा नहीं चाहते, ठीक है। अगर एक डेटा चाहते होते तो यहाँ रो नंबर या कॉलम नंबर दे देते, उसके हिसाब से डेटा हमारा आ जाता, लेकिन हम तो पूरा ही डेटा चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो इस फंक्शन वी लुकअप के अंदर एक और फंक्शन आपको लगाना है, और वो फंक्शन है कॉलम्स का, COLUMNS। तो ये हो गया कॉलम्स का फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर ये जो दो है ना, देखिए शुरुआत कहां से हुई है इस डेटा की, नेम ऑफ स्टूडेंट से,
और सेकेंड कॉलम क्या है सब्जेक्ट वन, तो इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके ये जो के वन है यानी पहला हिस्सा है इसको आपको फ्रीज करना है F4 दबा करके, तो सिर्फ इसका पहला ही हिस्सा फ्रीज रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये करके और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, कॉमा लगाइएगा वी लुकअप के छूटे हुए हिस्से को पूरा करने के लिए, और यहां पर आपको जीरो दे देना है वी लुकअप का छूटा हुआ फॉर्मूला फंक्शन पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर एंटर करिएगा, तो यहां पर ये क्या हुआ, ये तो फॉर्मूला गलत हो गया, फंक्शन गलत हो गया हमारा, नहीं फंक्शन गलत नहीं हुआ, इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पर कोई डेटा है क्या, नहीं है, नहीं है तो कैसे आएगा, तो फिर यहां पर डेटा कोई चूज करते हैं, आप सपोज कीजिए अजीत ही चूज कर लिया, तो यहां पर देखेंगे 44 आ रहा है, तो क्या अजीत का सब्जेक्ट वन में 44 है, तो इसमें देखिए अजीत नाम कहां है, एक तो ढूंढना पड़ेगा हमको, ये रहा, मैं इसे हाईलाइट करता हूं डिफरेंट कलर से, देखिएगा जरा ध्यान से यहां पर कि सेम मार्क्स आया है कि नहीं, 44 आया है अजीत का, बिल्कुल सब्जेक्ट वन में 44 है। चलिए 44 आने से क्या हुआ, और भी सब्जेक्ट में तो पता चलना चाहिए, तो सबका आ जाए तब ना, तो अब बस यहां से ड्रैग करवा दीजिए, इसको ड्रैग करवा दिया, सब्जेक्ट टू में 29 है, अरे वाह सही है, सब्जेक्ट थ्री में 55, वाह सही है जी, फिर यहां पर 34 सही है, बिल्कुल सही है, यानी सब आता चला जा रहा है, यानी ये फंक्शन जो लगाया बिल्कुल सही काम कर रहा है। 82 सब्जेक्ट 5, देखिए सब्जेक्ट 5 है और 82 ही आया हुआ है, टोटल 244 बिल्कुल आया हुआ है 244, और यहां पर एवरेज 48.8 बिल्कुल है, और परसेंटेज भी सेम रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं 48.8 आया ही हुआ है, जैसा कि आपको क्लियरली यहां पे शो भी हो रहा है। लेकिन लेकिन रुकिए, यहां से अगर मैं चेंज करता हूं, यहां से जाता हूं लोकेश कर देता हूं, तो यहां पे सारा डेटा चेंज, ठीक है, देख सकते हैं लोकेश का जो आया होगा वो यहां पर अप्लाई हो गया है। लेकिन बटन की कहानी देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बटन हमें बनाना है, बटन कैसे बनेगा, ठीक है, बटन को देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसके लिए दूसरा मैक्रो कर लेते हैं, ये दूसरा डेटा है हमारे पास, इसके लिए दूसरा मैक्रो करते हैं हम, क्या करेंगे, बड़ा डेटा हो, ये तो थोड़ा सा छोटा डेटा है, आप बड़ा डेटा भी ले सकते हैं, लेकिन इस डेटा पर जाकर के क्या करना है हमें, डेवलपर टैब पे जा सकते हैं, या यहां से हम कहां जा सकते हैं, व्यू टैब पे जा सकते हैं, मैक्रो पे जा सकते हैं, और यहां से रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, इस मैक्रो का नाम आप जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए माई SECONDE सेकेंड मैक्रो कर देते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, आप चाहे तो यहां पर शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं, और ये दिस वर्कबुक रहने दिया है मैंने, ओके कर दीजिएगा। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये रिकॉर्डिंग हो भी रही है, ठीक है, अब यहां पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम यहां पर वो फंक्शन फिर से लगाएंगे। देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहां पर कर दूंगा पेस्ट, जल्दी से बता देता हूं आपको, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो वही काम करना है कि यहां पे रख करके और डेटा टैब पे जा करके और यहां से ये डेटा वैलिडेशन करना है और यहां पे एनी वैल्यू को लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना करके ये सेलेक्ट कर लेना है, तो ये सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, जब ओके करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। अब यहां पर जाकर के वी लुकअप फंक्शन यूज कर लीजिए, तो ये हो गया वी लुकअप लगा दिया, इसी को सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा के फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ये पूरा टेबल का हेडिंग छोड़ करके बाकी सब सेलेक्ट कर जाइए, F4 दबा के फ्रीज कीजिए, कॉमा लगाइए, कॉलम्स का फंक्शन यूज कीजिए, तो ये हो गया कॉलम्स, और ये कॉलम्स लगा करके ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और यहां पर इन दोनों को सेलेक्ट करके और पहले हिस्से को, केवल पहले हिस्से को ही फ्रीज करना है, तो F4 दबाइए, फिर एक बार और F4 दबाइए और फिर एक बार और, यानी K को फ्रीज करना था, बाकी किसी को तो फ्रीज करना ही नहीं है, बंद करिए, कॉमा लगाइए, जीरो दीजिए, एंटर कीजिए, काम हो गया है आपका। यहां पर अब जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहां पर इसे ड्रैग कर लीजिएगा, मतलब इसको बड़ा कर लीजिएगा, तो यहां पे मैच कर लीजिए, ये मोनू है और मोनू का रिकॉर्ड पूरा मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां से, मैं एक डिफरेंट कलर से इनका रिकॉर्ड हाईलाइट भी करता हूं, पहले में 49, दूसरे में 27, तीसरे में 14, चौथे में 10, पांचवे में 7, और टोटल 107 नंबर है, एवरेज 21.4 है, बड़ा कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालने तो आ गया, ठीक है, तो ये हो गया, ये इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से जाकर के व्यू पर और मैक्रोज जो चल रहा है उसे ऑफ कर देना, यानी स्टॉप करना है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए बटन बना लेते हैं, जो बटन हम बना रहे थे, तो यहां पर मैं इतने दूर में बटन बना रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एरिया हाईलाइट कर देता हूं एक डिफरेंट कलर से, और यहां इंसर्ट पे जाके और यहां से शेप पे जाके और यहां से इस पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर एक ड्रैग कर देता हूं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा, और इस पे मान लीजिए ये वाला ऐसा बटन हम थोड़ा बढ़िया लगेगा, इसको बना लेते हैं, तो मैक्रो बटन इस पे लिख देता हूं मैं, मैक्रो बटन BUTTON, ये लिख दिया हमने,
और ये लिख करके क्या करना है, यहाँ से जाना है और इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके क्या करना है, होम टैब पे जाके यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा लीजिए। ये बढ़ा लिया हमने, और बढ़ाने के बाद क्या करना है, बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपको इसे बोल्ड वोल्ड करना है तो कर लीजिए, और अलाइन करना है तो वो भी कर लीजिए। तो अलाइन कर दिया हमने, और यहाँ पर जब चौकोर सा बटन बनेगा तो राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करके क्या करना है, असाइन मैक्रो पे जाना है, और असाइन मैक्रो पे जाने के बाद माई सेकेंड मैक्रो के नाम से हमने बनाया था तो यहाँ पर जा करके ओके कर दीजिएगा। तो ये हमारा मैक्रो बटन बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब इस बटन पर हमें क्लिक करने की जरूरत है, तो पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये जो हमने अभी लगाया इसे मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से जाके डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद होगा क्या, जैसे ही मैक्रो पर क्लिक करेंगे ये फिर आ जाएगा, तो ये अन्य अन्य आ रहा है, अन्य अन्य क्या है, वही है कि नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे डेटा आप लेके आइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से बटन भी काम करेगा और मैक्रो भी पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और मैक्रो से बटन बनाना भी आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज कल और एक दो दिन शायद लाइव क्लास ना चले, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।